हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, झारखंड बर्ड्स कॉलोनी में मैं सौरभ कुमार आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं आपको कॉलोनी में लेके जाऊं, चलिए मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। सॉफ्ट फूड में मैं अपने बर्ड्स को जो साग देता हूं उसकी एक छोटी सी जानकारी आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा लाल साग हरी साग में, ये आपके सामने है, मैं आपको बताता हूँ आगे कि लाल साग हरी साग के साथ साथ आप क्या दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग कंगनी के साथ में साग देते हैं जो कि हफ्ते में 2 से 3 बार दिया जाता है। अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगा कि आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बर्ड्स को साग दे सकते हो, जिसमें लाल साग हरी साग कंगनी की भी साग मैं देता हूँ, जिसको आप छोटे छोटे गमले में आप देख सकते हैं मैंने लगाया है, और मेरे बर्ड्स बड़े प्यार से बहुत ही चाव से खाते हैं। कलमी साग हमारे झारखंड में लोकल भाषा में कहा जाता है। इसके अलावा नीम के पत्ते, धनिया मैं अपने बर्ड्स को देता हूँ। 2 से 3 दिन का गैप में मैं रोटेशन कर पूरे हफ्ते में देता हूँ। रिजल्ट आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं मेरे कॉलोनी। आगे के वीडियो में आप देखेंगे मैं सबके केज में अपने कॉलोनी में रखा हूँ गमले के साथ। गमले में साग को उगा कर देने में एक फ़ायदा होता है, बहुत सारे मेरे दोस्तों आप अपने केज में मिट्टी रखते हैं, बर्ड्स को पसंद है, ये मिट्टी खाते हैं। मुझे अलग से मिट्टी रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैंने छोटे छोटे गमले में ये साग के बीजे डालकर जो उगाया है उसको अपने कॉलोनी में डायरेक्ट रख देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितने चाव से और अच्छी तरह से खाते हैं। मैं आगे के वीडियो में अभी आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने पूरी साग को अच्छी तरह से खाया है। पालक भी आप देख सकते हैं, पालक भी आपको दे सकते हैं। बस ध्यान रहे हफ्ते में 2 से 3 बार आपको देना है, नहीं तो लूज मोशन की समस्या आपके सामने आ सकती है। मैं आगे भी आपके लिए नई नई जानकारी नए नए वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे बर्ड्स ने कितनी अच्छी तरह से पूरा खा लिया है।